हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की स्पेशल रेसिपी है दिवाली में बनने वाले नमकीन की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान होता है और खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से चलते इसे स्टार्ट करें, लेट्स गो। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो के करीब मैदा लिया है, जिसके लिए मैंने स्वाद के अनुसार नमक, एक चम्मच मंगरेल, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर लिया है रिफाइंड ऑयल। तो सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में मैं निकाल लूँगी मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरीके से चलनी से चाल लिया है। तो इसमें अब मैं डाल दूँगी एक कलछुल के करीब मोयन। मैंने यहाँ पर अंदाजे से डाला है, आप क्वांटिटी में एक कलछुल मोयन ले सकते हैं। इन्हें दोनों हाथों की मदद से इस तरीके से अच्छे से रब करते हुए मिला लेंगे कि जो तेल और मैदा है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो हमें दोनों हाथों से इस तरीके से उसको बीच में रगड़ते हुए ही मिलाना है, तभी अच्छे से वो मिक्स हो पाएंगे। तो यहाँ पर मोयन और मैदा अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी स्वाद के अनुसार नमक, फ्लेवर के लिए थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और डाल दूंगी मंगरेल। तो इसे भी मैं कर लूंगी पहले मिक्स, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसका आटा गूंथ लूंगी। ध्यान रहे कि आटा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा कड़क आटा ही गूंथना है, क्योंकि अगर आप सॉफ्ट आटा गूंथेंगे तो जो नमकीन बनेंगे वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे तलने के बाद। इसीलिए थोड़ा सा आटा टाइट ही गूंथें ताकि जो नमकीन है वो क्रिस्पी और कुरकुरे बने। तो ये देखिए, जैसे जैसे आप सानते जाएंगे आटा इस तरीके से इकट्ठा होते जाएगा। एक ही बार बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना है, क्योंकि मैदा थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद आटा टाइट है। उस चक्कर में आप ज़्यादा पानी उसमें बिल्कुल भी ना डाल दें, नहीं तो वो बाद में जाकर वो गीला हो जाएगा पूरा। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरा परफेक्ट आटा गूंथ कर तैयार हो चुका है। तो बस इसी तरीके से आपको भी उसको अच्छी तरीके से अपने हाथों से मसल मसल कर सॉफ्ट कर लेना है और आटा टाइट ही रखना है। तो ये देखिए, इसकी स्किन बाहर से अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है और आटा तैयार हो गया है। इसे मैं रख दूंगी साइड थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के बाद मैं इसकी बना लूंगी लोइयां। तो यहाँ पर इसकी एक चिकनी लोई बनानी है ताकि साइड से वो फटे ना बिल्कुल भी। और इस तरीके से लोई बनाकर हम इसे रख लेंगे चौकी पर, और इसको बेलने के लिए हम इस पर लगाएंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। चौकी पर भी साइड साइड में डाल देंगे और इस पर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम नमकीन बनाने के हिसाब से ही इसे मोटा या पतला, जैसे भी हमें रखना है उस हिसाब से हम इसे बेल लेंगे। मैं बहुत ज़्यादा मोटा नमकीन नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो बाद में जाकर थोड़े से सॉफ्ट होने लग जाते हैं। अगर पतले पतले रहते हैं नमकीन तो वो ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही मोटा रखा है। बाकी मैंने इसे चारों तरफ से परफेक्ट बेल लिया है। तो ये देखिए, मैंने इसे इतना बड़ा बेल लिया है और थोड़ा सा ही मोटा रखा है। तो अब चाकू की मदद से मैं इसमें कट्स लगाने स्टार्ट कर दूंगी। आप चाहें तो डिब्बे के शेप में या अपने पसंद के काजू कतली के शेप में भी इसे काट सकते हैं। मुझे काजू कतली का शेप ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं उसे उस शेप में ही काटूंगी। ध्यान रखें कि आप जो मैदे की रोटी बेलें उसे बहुत ज़्यादा मोटा ना रखें, क्योंकि मैदा थोड़ी देर में ही सिकुड़ने लग जाता है। तो अगर आप इसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मोटा बेल रहे हैं तो इसे कट करते वक्त या थोड़ी देर बाद ही वो सिकुड़ने लग जाएगा, जिससे आपके नमकीन और भी ज़्यादा मोटे होने लगेंगे। तो उस हिसाब से ही आप उसकी रोटी को बेलें। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से आराम से और धीरे पकड़ते हुए सारे नमकीन को अपने शेप में काट लिया है। तो बस अब मैं इसे निकाल लूँगी दूसरे प्लेट में, और इसमें हमें एक एक करके डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस चाकू की मदद से इस तरीके से सारे नमकीन को प्लेट्स में पलट देना है। तो बस बाकी लोइयों की भी मैं इसी तरीके से नमकीन बना लेती हूँ, फिर इन सभी को साथ में तल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है और डायरेक्ट नमकीन को डाल दूंगी तेल में।
नमकीन को एक एक करके अलग करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये तेल में जाएंगे, जैसे जैसे पकने लगेंगे, वैसे वैसे ही ये अलग होने लगेंगे, आपको अलग करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, जब मैं इसे पलटे से चला रही हूँ तो साफ साफ दिख रहा है कि एक एक नमकीन अलग अलग हो चुके हैं। तो ये देखिए, एक्स्ट्रा मेहनत की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस इन्हें मीडियम फ्लेम पर हम तलते जाएंगे जब तक कि इसका कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए और अंदर से मैदा अच्छी तरीके से पक ना जाए। तो यहाँ पर वैसे ये हल्के हल्के कलर तो चेंज हो ही चुका है और ये अच्छे से पक भी चुका है। तो इन्हें छान कर मैं निकाल लूँगी अलग से प्लेट में और इन्हें कर लूँगी अच्छे से ठंडा, ताकि ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएँ। तो दिवाली के लिए झटपट बनने वाला हमारा स्पेशल नमकीन तैयार है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एंड दिवाली में इसे एंजॉय करें।